हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 23 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए युग की खोज की है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इस युग का नाम मेघालय युग बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, IUGC ने भी इस नए युग को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिकों के अनुसार इस युग की शुरुआत 4200 साल पहले हुई। नेक्स्ट है, वर्तमान को होलोसीन युग नाम दिया गया है। और नेक्स्ट है, उपयुक्त चारों सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नहीं, उपयुक्त चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के पुरुष सिंगल्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, यह चैंपियनशिप जकार्ता में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, लक्ष्य सेन ने एकल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता का 53 साल बाद फाइनल जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय बने हैं। और नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। लक्ष्य 53 साल बाद पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 16 साल के लक्ष्य ने टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले 1965 में गौतम ठक्कर पुरुष सिंगल्स में और 2012 में PV सिंधु महिला सिंगल्स में चैंपियन बनी थी। और दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने वर्ल्ड नंबर 1 थाईलैंड के कुन लावुत वितिदर्शान को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इसके अनुसार केरल सबसे प्रशासित राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सबसे खराब प्रशासित राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रिपोर्ट पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान के फकर जमान। और फकर जमान ने सिर्फ 18 पारियों में यह 1000 रन पूरे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसके अलावा फकर जमान ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। और फकर जमान ने वनडे क्रिकेट में 2 बार आउट होने के बीच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सफर नामक प्रणाली को लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध है, आपका पहला पॉइंट है वायु गुणवत्ता की जाँच, नेक्स्ट है मौसम का पूर्वानुमान, नेक्स्ट है ए और बी दोनों, और नेक्स्ट है ऑनलाइन भुगतान। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किस भारतीय शहर में किया गया? तो इसमें आंसर आएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए नया शुभंकर यानी नया मैस्कॉट जारी किया गया है, उसका क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा, इसका नाम है मराइट तोवा। नीले और सफेद रंग के शुभंकर मराइट तोवा स्पेशल पावर को वर्णित करता है। इन शुभंकरों के पास न्याय और एक मजबूत भावना है। वही गुलाबी और सफेद रंग का पैरा ओलंपिक शुभंकर सोमेती का डिजाइन खिले हुए चेरी के फूलों से प्रभावित है। ये अंदर की ताकत और नेक दिल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत की सहायता से संचालित आपात एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया? तो इसमें आंसर आएगा श्रीलंका में संचालित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों को कानून व पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी देने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इसमें आंसर आएगा स्टूडेंट पुलिस कैडेट। और इसके अलावा यह जन सुरक्षा, अनुशासन, धैर्य, सहानुभूति, बड़ों का सम्मान, भ्रष्टाचार और ट्रैफिक को लेकर भी जागरूकता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही गिरिजा योजना का संबंध किस देश से है? तो इसमें आंसर आएगा युगांडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में 10 स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो इसमें आंसर आएगा प्रत्येक की उत्पादन क्षमता होगी 700 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप की महिला युगल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? आपके ऑप्शंस है त्रिशा देव, सुरेखा वेनम, नेक्स्ट है उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी त्रिशा देव और सुरेखा वेनम दोनों ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें आंसर आएगा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 28वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड उपक्रम से भारत के किस राज्य को जोड़ा नहीं जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा पश्चिम बंगाल राज्य को। उत्तर पूर्व राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए एक प्रमुख पहल में 5 केंद्रीय तेल पीएसयू ने उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को निष्पासित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आंसर आएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2018 तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब खरीद के लिए किस राज्य सरकार ने एमआईएस योजना की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा सेबों के मूल्य में अत्यधिक घटाव बढ़ाव पर अंकुश लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्क्रीन राइटर्स कॉन्फ्रेंस 2018 के मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा बॉलीवुड अभिनेता निर्माता आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा माना जाता है? तो इसमें आंसर आएगा श्रीलंका के दक्षिण में स्थित मटाला हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में पार्कर प्रोब नामक एक नई प्रोब की घोषणा की है, जो किसका अध्ययन करेगा? तो इसमें आंसर आएगा सूर्य का। पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। यह प्रोब अब तक के भेजे गए यानों की तुलना में सूर्य के 7 गुना ज्यादा करीब जाएगा। यह अंतरिक्षयान सूर्य के सबसे बाहरी भाग सोलर कोरोना का वातावरण का अध्ययन करेगा। सूर्य के इसी भाग में सौर वायु या सोलर विंड की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और इसका विषय होगा चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझी समृद्धि के लिए विकासशील देशों का सहयोग। और ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान मोदी वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। यह दोनों नेताओं के बीच 1 साल के भीतर तीसरी मुलाकात होगी। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और है कि 8वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वह आयोजित किया है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। आपको दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस रखना है। अगर 10वां ब्रिक्स सम्मेलन पूछा जाए तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, और 8वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन पूछा जाए तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित किस युद्धाभ्यास में भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है? आपके ऑप्शंस है आयरन फर्स्ट 2018, पिच ब्लैक 2018,
आस्ट इन 2018 और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।